नमस्कार दोस्तों, मैं दर रोज की तरह एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आप देख लीजिए, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे, तो ये वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, आइए आपके लिए हाजिर है एक नया वीडियो जिसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों ये जो आपको रेगुलेटर दिखाई दे रहा है, ये रेगुलेटर वो साधारण घर का रेगुलेटर रहता है, उसी प्रकार का रेगुलेटर है। आप देख लीजिए, इसका भी ये बटन बंद होता है, चालू होता है, बटन बंद। इसको हमेशा सिलेंडर पे लगाने से पहले इसको बटन को बंद कर दीजिए, नीचे की साइड बंद होता है। उसके बाद में इसको ऊपर उठाना है, ये बटन बंद करके ये दोनों हाथों से ऊपर उठा के इसको ज़्यादातर सीधा सीधा लगाना, नहीं तो ये टूट जाता है। और ज़्यादा दबाव दे के नहीं लगाना है, धीरे धीरे लगाना है। ज़्यादा दबाव दे के लगाया तो जल्दी ये टूट जाता है रेगुलेटर। जितना हो सके धीरे धीरे इस रेगुलेटर को फिट करना है। ये पाइप यहाँ से फिट होती है तो इसके अंदर यहाँ पे काली रिंग आती है। जब आप पाइप नई बाजार से लाएंगे तो इसके साथ एक रिंग भी देना, बोलो ये फिट करने के लिए, यहाँ पे फिट करने के लिए रिंग दे हो तो यहाँ से ये बराबर फिट होगा, नहीं तो फिट नहीं होगा दोस्तों। उसके अलावा अगर आपको फिट करना रहा तो आप ऐसा ये टेपलोन टेप की छोटी रिंग बना के इसके अंदर लगा के आप इसको फिट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे भी इसी प्रकार से जहाँ उधर फिट होता है उसी प्रकार से यहाँ फिटिंग होता है। अभी मैं आपको खोल के इसके अंदर जो जो भी पार्ट्स है वो सभी बताऊंगा। ये जो वाल है, ये वाल को ऐसे घुमा के आराम से खुल जाता है। ये जो वाल दिख रहा है, मैंने ये टेपलोन टेप की जगह ये कपड़ा लगा के इसको टाइट किया है यहाँ पे। कभी कभी क्या रहता है, टेपलोन टेप घरों में नहीं रहती है तो अपन कपड़ा लगाते हैं। और ये नट बोलते, कोई बोलते ये नट कहाँ फिट करना है, ये नट को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये नट को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये नट है ना, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये नट है देखो, और इसके ऊपर ये जो जेड रहता है ये छोटा, इसके ऊपर नंबर रहता है दोस्तों। यहाँ पे अगर जितना छोटा नंबर रहे उतना अच्छा है, क्योंकि जितना छोटा नंबर रहा तो ही ये गैस जलेगा। जितना आप बड़ा करोगे तो जैसे ही चालू होगा फुर करके बंद हो जाएगा। वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि चालू करने के बाद अगर फुर करके बंद हो रहा है, वो भी आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर फुर करके बंद हो रहा है तो कैसे क्या करना है। इसी वीडियो के अंदर मेरे एक दूसरा पार से आगे बताऊंगा। लेकिन ये जितना वाल, जितना अगर आपको लगे कि जितना छोटा लगाना है, अब सबसे छोटा इसमें 58 नंबर का आ रहा है, तो आपकी भट्टी की साइज छोटी है या ये बर्नल छोटा है तो आप इसके अंदर आप 58 नंबर तक का वाल लगा सकते हैं। जैसे ये वाले की लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 58 नंबर वाल तक की है, तो 58 नंबर का वाल रहा तो जैसे आप चालू करोगे वो फुर रुक करके बंद नहीं होगा। आपके अगर आप अगर बाहर कहीं लेके आए हैं भट्टी को और अगर वो भट्टी बंद हो रही है, फुर करके बंद हो रही है, तो इसी वीडियो में मैं आगे चालू करके गैस लगा के आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर दोस्तों और अभी बचा है ये बर्नल, ये वाल में बता दिया आपको, बाजार में ये वाल मिलता है, पाइप मिलती है, ये बर्नल बचा है। तो बर्नल चार नटों पर टाइट है। और ये छिदर जो रहते हैं ना, ये छिदर किस लिए रहते हैं मालूम है क्या? ये छिदर हवा लेने के लिए रहता है। इसके अंदर से जब गैस निकलता है ना, तो ये छिद्रों, छोटा वाल है, इसके अंदर से स्पीड से गैस जाता है तो ये जो छिद्रों के अंदर से साथ में हवा भी जाती है। जब भी हवा जाती है तो ही गैस ज़्यादा दिन तक जलता है। अगर आपने ये छिद्र सब बंद कर दिए ऐसे, तो प्यावर गैस आएगी और लाल आँच आएगी एकदम। आपने देखी होंगी लाल आंच कैसी रहती है, आपके घर में जो लकड़ी पे चूल्हे पे आप बनाते हो, वो सेम लाल आंच यहाँ पे आएगी, आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो छिद्र है ये भी होना ज़रूरी है। कभी कभी आपके घर पे भट्टी है, आपके होटल पे भट्टी है और उसके अंदर क्या है, लाल आँच आ रही है, लाल आँच आ रही है, तो ये यहाँ से ये खोल देना है, मामूली सी बात, खोल देना है। ये तीन नट है ये नहीं खुल रहे हैं, तो इसके अंदर आप कपड़ा डाल के यहाँ से कपड़ा निकालना है, यहाँ से कपड़ा डालना है, यहाँ से कपड़ा निकालना है। और ये जो छिद्रा है ये छिद्रों साफ करना है। ये इस नली के अंदर भी कुछ कचरा वगैरह रहा
तो वो पूरा कचरा साफ करना है, एकदम क्लीन हो गया तो इसके जो छिद्रा रहते हैं ये आप सुई से एकदम बैठे बैठे साफ कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दो, इसके अंदर आप सुई से धीरे 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 ये पूरे छिद्र जितने भी है उतने साफ कर सकते हैं आप बैठे बैठे। तो ये जो छिद्र के अंदर अभी कचरा रहा तो भी नहीं जलता है, कभी कभी लाल आँच आ रही, अगर पूरा एक बार क्लियर हो गया, इसके अंदर कहीं पे भी कचरा नहीं रहा फिर भी लाल आ रही है, तो ये झेड रहता है, झेड के आगे का जो छिद्र है इसको झेड को खोलना है और छिद्र को साफ कर देना है। नॉर्मल सी बात है ये, एकदम आप घर बैठे ये अपने आप भट्टी में फिट कर सकते हैं। क्या क्या सामान रहता है वो भी आपको मैंने आपको दिखाया है, इसके अंदर कैसा कैसा करना है वो भी बताया है। इसलिए दोस्तों अपने वीडियो को सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन भी दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर प्रकार की जानकारी है, आपके घर में कोई 4 बर्नर स्टोव रहा, 2 बर्नर रहा, किसी गैस खराब आ रहा है, गैस कम आ रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे हर एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।